आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और, तो ये एशिया टेलीकॉम की टीम की तरफ से एक अपडेट वीडियो है। ये बोर्नियो के ऊपर एक वीडियो है कि अगर आपका बोर्नियो कहीं प्रॉब्लम हो रहा था, अगर जैसे बोर्नियो भी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे मेंटेनेंस वगैरह वगैरह में नहीं चल रहा था, तो ये अपडेट वीडियो है गाइस। तो वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि इन फ्यूचर कैसे इसको अपडेट करते हैं, और इसमें एक फ्यूचर्स के बारे में बताऊंगा कि जो अभी कुछ दिन पहले ये टोकन सिस्टम कुछ आ रहा था कि ये टोकन सिस्टम क्या है, तो मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो और अच्छी तरीके से डीप नॉलेज चाहिए तो आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको हर एक चीज़ पर्टिकुलर परफेक्ट तरीके से कि जो सप्लाइयाँ होती हैं, जो काम होते हैं, जो हार्डवेयर सोल्यूशंस हैं, जो पीसीबी है, जो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है, उसको कैसे रीड करते हैं, सारा कुछ हम आपको क्लास में विथ प्रैक्टिकल बताते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि चलिए फटाफट, अगर जिनका बोर्ड नहीं चल रहा है तो अभी ये अपडेट वीडियो ऐसे टेलीकॉम की तरफ से है, मैं इसको कंप्लीट बता दे रहा हूँ कि आप कैसे कर लो, सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट, कुछ नहीं करना है गाइस, आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद लिखना है बोर्नियो अपडेट, लिखना है आपको, लिखना है यहाँ पे बोर्नियो अपडेट लिखना है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ स्कीमेटिक आपको यहाँ पे लिखना है, चलिए मैं लिख देता हूँ बोर्नियो। बोर्नियो अपडेट लिखिए आप, केवल बोर्नियो स्कीमेटिक अपडेट लिखिए। आप पहले वाले ही साइड में जाएंगे बोर्नियो अपडेट में, तो गाइस ये आपको मिल जाएगा। तो ये वर्जन आप 2.3.0 आप इसको डाउनलोड कर ले। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद आपका खुल जाएगा गाइस, और ये हमेशा जब कभी अपडेट आए तो आप इसी तरीके से डाउनलोड कर लीजिए। अब उसके बाद अभी कल से सर्वर ये ऑन हो चुका है, बेसिकली कल से ही ऑन हो गया था ये। और कुछ लोगों से जब ये कल यूज़ कर रहे थे तो उसमें एक आपका, जब मैं अभी बताता हूँ वीडियो में सारा कुछ कवर करूंगा यहाँ पे। तो चलिए मैं बोर्नियो को ओपन कर लेता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं बोर्नियो बेसिकली ओपन हो चुका है, फाइनली कोई भी दिक्कत नहीं है। डेली इनका अपडेट भी आता रहता है, बहुत अच्छा अपडेट है टेक्नीशियंस के लिए, जो स्टार्टअप में भी हैं, जो पहले से काम भी कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पे इनका मेंशन होता रहता है गाइस। तो इसमें जो सिस्टम है, इसमें पहला है हार्डवेयर सोल्यूशन, जिसमें फोन्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसके सोल्यूशंस डालें, पर आप आदत सोल्यूशंस पे ना डालें। आप अगर एक अच्छे टेक्नीशियंस हैं तो आप हार्डवेयर सोल्यूशंस देखो, बट उसमें आप एक बार डायग्राम में भी जा करके फाइंड आउट करो क्या वो सप्लाइयाँ है भी कि नहीं है गाइस। आप डिपेंड पूरा ना रहें, मैं ये भी नहीं कहता कि ये बेकार है, बाकी हेल्प बहुत अच्छी है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं गाइस, बट आप डिपेंड ना रहें किसी एक टूल पे। क्योंकि अगर आप एक लत लगा देंगे कि अरे बोर्नियो बेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अपडेटेड है वो बेस्ट है। अगर कोई भी टूल अपडेट नहीं होगा तो डाउनग्रेड में चला जाएगा, हम उसे यूज नहीं करेंगे। तो अभी ये अपने आप को अपडेट कर रहे हैं इसलिए अच्छा है। अगर ये अपडेट जिस दिन करना बंद कर देंगे बोर्नियो वाले, तो वहां पे ये अच्छा नहीं होगा गाइस। तो चलिए यहाँ पे फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि ये हार्डवेयर सोल्यूशंस है। हार्डवेयर सोल्यूशंस के बाद अभी, उसके बाद जो हार्डवेयर सोल्यूशंस के बाद हमारा देख सकते हैं बिट मैप। बिट मैप में भी आपको बहुत सुविधा मिल जाती है, जिससे कुछ मॉडल्स नहीं रहते, तो अब इसके भी थ्रू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद आता है डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, जो कि आप देख सकते हैं काफी सारे मॉडल्स यहाँ पे ऐड हैं गाइस। तो ये बेसिकली पर्टिकुलर आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करिए, जिसमें आपको डीप नॉलेज मिला जाएगा कि कैसे इसको पढ़ते हैं, क्या इनकी सप्लाइयाँ होती हैं, इनके नाम के बारे में, इनकी कोडिंग के बारे में A to Z यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाता है। अब मेन बात आता है गाइस कि यहाँ पे जो एक मेन फंक्शंस है, जो मैं आपको बता दूं, जो कि सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है। अभी ये कल किसी कल खोल रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं PCD का दिखाई दे रहा है, पार्ट कंप्यूटेबिलिटी डाटा बेस इसको बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट कंप्यूटेबल डाटा बेस, यहाँ पे कंप्यूटेबल डाटा बेस, कंफर्टेबल मीन्स बहुत अच्छा है गाइस, कंफर्टेबल मीन्स। चलिए मैं इसको खोलता हूँ। जब ये कंफर्टेबल को खोलते थे, तो आज मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि जब भी आप इसको पार्ट कंफर्टेबल को खोलते थे डाटाबेस को, तो ये टोकन कुछ टोकन हिसाब मांगता था। अब ये टोकन वगैरह नहीं है, ये एशिया सर्वर सब फ्री है, अभी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और ये इतना बेस्ट एंड बेस्ट है गाइस कि मैं आपको क्या बताऊं, ये
आपका जो ये डाटा बेस है गाइस, कि आपका कंफर्टेबल, कि आप एक आईसी आप ढूंढ रहे हो और आईसी नहीं मिल रही है, तो उस आईसी का नंबर आप यहाँ पे सर्च करिए, चाहे वो एमएमसी हो, चाहे वो स्टोरेज आईसी हो, चाहे वो पावर आईसी हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो आरएफ आईसी हो, चाहे वो कोई सी भी आईसी हो, आपको ये पता करना है कि ये किस मॉडल में लगी है और ये कहाँ मिल जाएगी। वो आपको ये टूल प्रोवाइड करता है जो कि सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है गाइस। तो चलिए, मैं फिलहाल छोटा सा एक आईसी है, पावर आईसी, उसको मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। S515 एक पावर आईसी है, और इसको जैसे हमने सर्च किया गाइस, तो देख सकते हैं बहुत फटाक से रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे। ये लगे हैं सैमसंग में, A260 में लगा है, ये लगा है G610L में लगा है, ये J701 में लगा है, और ये M105 में। मतलब इतनी सारी आईसीयू में, इतने सारे फोन्स में ये आईसी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आईसी आप कंफर्टेबल, मतलब होता है कि आप ये आईसी उठा करके इससे लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और भी जो भी पावर आईसी, अगर मैं बात करूं, और भी कोई भी पावर आईसी आपको जानना है, और कोई भी आरएफ आईसी या कोई भी एमएमसी आईसी, जो भी आपको जानना है, आप इसमें सर्च करेंगे, आप इसका मॉडल नंबर से भी जा सकते हैं, लोकेशन पे भी जा सकते हैं, पार्ट नंबर से भी जा सकते हैं, और आईसी के कोडिंग से भी जा सकते हैं गाइस। आप ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जा सकते हैं, आप मॉडल वाइज भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर एक बार मैं मॉडल वाइज भी सर्च करूँ, तो मॉडल वाइज सर्च कर लेता हूँ, तो चलिए मैं इसी को कर लेता हूँ, M105, M105। चलिए देखते हैं सर्च में, तो देखिए M105 में ये आईसी क्या क्या आईसी है, आईसी की कोडिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी, कोड आईसी की कोड यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीपीयू है, ये लाइट आईसी है, ये एमएमसी है। तो मतलब गाइज, आप इस फोन में कौन कौन सी आईसी लगी हुई है, आप इसमें सीपीयू जो इसका देखेंगे, इसमें जाइनोस का सीपीयू लगा हुआ है, और इसका जो स्टोरेज आईसी है, ये उसका पार्ट नंबर है, जैसा कि आप, मैं बता दूं यहाँ पे, आप इसको भी सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। ये इसका कोडिंग है, जैसा कि A2JWTR Wi-Fi आईसी कौन सी है। तो अगर मैं इसको WTR की बात करूँ, यहाँ पे WTR देख सकते हैं कौन सा लगा हुआ है, तो WTR पे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिलहाल ज्यादा हो जाएगा, चलिए कोई नहीं। तो ये बहुत कंफर्टेबल है गाइस, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपडेट है। आप मॉडल वाइज, आप यहाँ पे स्कमेटिक के लोकेशन वाइज, आप पार्ट नंबर वाइज और आईसी के कोडिंग के वाइज आप जा सकते हैं। तो आई होप ये एक अपडेट वीडियो था एसे टेलीकॉम की टीम की तरफ से, और कैसे इसको यूज करना है सब कुछ। बाकी ये जो मेन अपडेट था मेरा, यही था कि पीसीडी जो हमारा यहाँ पे है, पीसीडी यहाँ पे पार्ट कंफर्टेबल डाटाबेस, ये आप लॉगिन करते थे तो आपको टोकन मांगता था, पर यहाँ पे टोकन का कोई भी सिस्टम ऐसा भी नहीं है, फ्री है बिल्कुल भी। और एक और भी न्यूज है कि अगर जितने दिन ये सर्वर प्रॉब्लम पे था, मैं बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है, जितने दिन ये सर्वर प्रॉब्लम पे था गाइस, उनके लिए 30 दिन का एक्स्ट्रा, मतलब जितने 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जो भी ये सर्वर बंद था, उसके लिए बोर्नियो की टीम की तरफ से ये आपको मैसेज है कि 1 महीने आपका एक्स्ट्रा चलेगा गाइस। तो आई होप ये अपडेट वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी सारी चीजें और भी आपको जाननी है, तो आप हमारे और भी वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं, और भी क्या क्या इसके यूज हैं, यह सब आप हमारे और भी वीडियो में जा करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं। बोर्नियो परचेस करना है आपको, तो आप जेडिस मलिक का मैं नंबर भी फ्लैश कर दूंगा, जेडिस मलिक टीम या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा, जेडिस मलिक टीम, आप उनको कॉल करिए, मैसेज करिए, और ये टूल आप परचेस कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। हम यहाँ पे सेल नहीं करते, हमारी ऐसे टेलीकॉम टीम यहाँ पे इसको सेल नहीं करती है, हम आपको एक डीलर का नंबर दे रहे हैं, आप उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं और उनसे ये टूल परचेस कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.